मुट्ठी भर सीटें लड़कर हमारी दीदी प्रधानमंत्री बनने का सपना भी देख रही है। अगर ऑप्शन से प्रधानमंत्री का पद मिल जाता तो कांग्रेस और दीदी दोनों ऑप्शन में जो माल लूटा है उसको लेकर के आ जाते। दीदी ये प्रधानमंत्री पद ऑप्शन में नहीं है जो शारदा नारदा के पैसे से खरीदा जा सकता है। ये प्रधानमंत्री पद 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से मिलता है। ये प्रधानमंत्री पद सामान्य मानवीय के जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन दीदी आपको ये भी तो बताना चाहिए कि आप पाकिस्तान से आप अपनी रेडियोली से लाए फूल लेकर संबंध बनाओगी क्या? क्या ये रोज वैली के फूलों से पाकिस्तान मान जाएगा? क्या आतंकियों से आप ये कहोगी कि आपने अपने आतंकी होने का सबूत लाओ, आप उसको आतंकी होने का सबूत मांगोगे क्या? और आप लोगों को ये भी बताइएगी जम्मू कश्मीर के लिए दीदी कोलकाता में हाथ पकड़ पकड़ के नाच रहे थे आप लोग, जम्मू कश्मीर के भी बाप बेटे आए थे। दीदी जरा बताइए ये कोलकाता में जिनके हाथ पकड़ करके सारे नेता उछल कूद कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री चाहिए। इसी धरती के संतान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस देश में दो प्रधान दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे। और आज जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री की बात हो रही है और वो आपके साथ मंच में बैठ करके हाथ उठा उठा करके मोदी हटाने के लिए नारे लगा रहे थे। क्या दीदी आप भी चाहती हो कि हिंदुस्तान में दो प्रधानमंत्री हो? साथियों पश्चिम बंगाल जानना चाहता है कि एयर स्ट्राइक ये सर्जिकल स्ट्राइक के समय दीदी पाकिस्तान में पक्ष में आपने जो आंसू बहाए क्या वही उनकी नीति है क्या? साथियों ये आसानसोल म्युनिसिपैलिटी का चुनाव नहीं है, ये 130 करोड़ के भाग्य का निर्माण करने वाला चुनाव है। देश की सुरक्षा के मुद्दे महत्व रखते हैं, इसलिए ममता दीदी आपको इन सवालों के जवाब देने ही होंगे।
महामिलावट की हांडी पर अपनी खिचड़ी पकाने से बात बनने वाली नहीं है। अरे नियत भी स्पष्ट होनी चाहिए और नीति भी साफ होनी चाहिए।